फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा गया था कि ये क्या 35 के बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आज मैं देने वाली हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए एक एज होती है, हमारा फर्टिलिटी सिस्टम होता है, हमारा भी, हमारे पार्टनर का भी। तो क्या होता है ना, आजकल की लाइफस्टाइल इतनी हैक्टिक है, प्लस हमारा जो फर्टिलिटी सिस्टम वो बहुत वीक होता जा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो स्पेशली क्या होता है ना कि जब हम 35 के हो जाते हैं और तब तक आपने बेबी के बारे में नहीं सोचा है, 35 के बाद सोच रहे हो, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें हमें पेश आ सकती हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एक्टर एक्ट्रेस तो इतने एज में बच्चे करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जो हम एक्टर एक्ट्रेस छोड़ो, हम लोग जो नॉर्मल लाइफ के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो 35 के ऊपर कंसीव कर लेते हैं। लेकिन और सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जिनको 35 के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, बट चीज़ें बहुत लोगों की छुपती है, बहुत लोगों की दिखती है, ऐसी होती है। तो आइए हम बात करते हैं फाइनली कि क्या 35 प्लस में हम कंसीव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो उसके लिए क्या करना होगा। वीडियो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूले, या अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद एक मॉम हूँ और बहुत मुश्किलों के बाद मैंने बेबी कंसीव किया था, तो अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको हेल्प मिले और आपको पॉजिटिविटी मिले। अगर मुझे हो सकता है तो आप भी हो ही सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 35 तक आते आते ना, जो फीमेल बॉडी होती है उनकी जो फर्टिलिटी सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है, जो हमारे एग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगते हैं, ख़त्म ऑलमोस्ट हो भी जाते हैं। हमारे जो एक्टिव एग्स होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। ये एक मेन कारण होता है कि आप 35 तक आपकी फर्टिलिटी की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। अगर आप 35 में जाके कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, कि जैसे कि आप अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल अच्छा रखिए, अच्छी लाइफस्टाइल लीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना। अच्छा खाना यानी तेल मसाला भर भर के नहीं, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी बाहर से अंदर से सब जगह से फिट रहे हैं। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम लीजिए, और हाँ, अपने जो पीरियड सर्कल है उसको ऑन टाइम कीजिए। अगर वो ऑन टाइम है तो फिर आप अपने जो ओवुलेशन सिस्टम है उसको पहचानिए कि मेरा जो ओवुलेट मैं कब होती हूँ। ओवुलेशन सिस्टम जो सिम्टम्स होती है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जैसे आप खुद को पहचान पाओगे, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद को पहचान पाओगे कि आपका जो ओवुलेशन है वो टाइम कब आ रहा है। तो वीडियो को ज़रूर वो देख लेना, मेरे प्रोफाइल में देखना, आपको बहुत सारी वीडियोज़ ओवुलेशन के ऊपर मिलेंगे। दूसरा चीज़, आपको जब ओवुलेशन फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो आपको ट्राई करना है अपने ओवुलेशन डेट से लेकर, जो ओवुलेशन डेट जो होती है उससे लेकर 5-6 दिन तक आपको ट्राई करना है। अब ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि दिन में 2-3 बार ऐसे ट्राई करना है, नहीं, आपको पर डे एक बार फ्री माइंड के साथ ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि आप जो है फ्री माइंड में रहोगे, सही समय पर आप अगर अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपका जो एक्स है फर्टाइल हो जाएगा, आपके पार्टनर का जो स्पर्म है उसमें अच्छे से फर्टाइल होगा, तो वो अच्छे से बेबी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि क्योंकि 35 प्लस एज जो होती है बहुत मैच्योर एज होती है, बहुत लोगों को ड्रिंक करने की, स्मोक करने की बहुत आदत होती है, तो इन दिनों में आपको उन सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तो ही आपके एग्स, आपका स्पर्म हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑफकोर्स आप ट्राई कर सकते हो, उसके लिए ट्राई करने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दे के हेल्दी बना लो, उसके बाद ट्राई करो। दूसरा, आपको अगर आप 6 महीने 1 साल ट्राई कर रहे हो और
कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो क्या हम कर सकते हैं? तो हम IUI का सहारा ले सकते हैं। IUI जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है, जस्ट लाइक नॉर्मल आप जैसे कंसीव करते हो ना, तो उसमें एक होता है कि एक ट्यूब के थ्रू आपके अंदर जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो इंजेक्ट किया जाता है, बस यही है IUI। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो चेकआउट कर लेना, वहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शो किया है, क्योंकि मैंने भी IUI करवाया है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। अच्छा, IUI अगर आपका हो जाता है सक्सेसफुल तब तो बहुत अच्छी बात है, और इन केस अगर नहीं होता है तो, क्योंकि 35+ एज में ना IUI सक्सेसफुल रेट बहुत लोगों का लो रेट ही होता है, आई थिंक बहुत लोग कंसीव कर जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको IVF पे जाना चाहिए। IVF मेथड से आप कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर की स्ट्रिक्ट जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो आपको डॉक्टर बताते हैं वो आप फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ें क्या है ना, जब भी आप IUI या IVF करने के लिए सोचे तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हो उस एरिया में बेस्ट डॉक्टर का सजेस्ट करें। ऐसे नहीं कि वो बड़ा हॉस्पिटल है या ज़्यादा पैसा लेते तो अच्छी चीज़ें देते होंगे, ऐसी नहीं है। बेस्ट डॉक्टर यानी जहाँ से सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिला हो, ठीक है? तो आप गूगल पे इसके लिए सर्च कर सकते हो, और गूगल पे नहीं तो आप एक दो हॉस्पिटल में जाकर सर्च कर सकते हो, आसपास के नेबर से सर्च कर सकते हो कि कौन सा हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन से बेस्ट है जिनके हाथों से सक्सेस ज़्यादा है, क्योंकि ये भी बहुत वेरी करता है, क्योंकि सारे डॉक्टर सभी लोगों के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब डॉक्टर सारे अच्छे हैं पर जो सूट कर जाए वही हमारे लिए अच्छा है ना, तो आपको बेस्ट डॉक्टर का चुनाव करना होगा। और हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं, तो फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा स्ट्रांग होना होगा, आपको आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज करनी होगी IVF के बाद। अगर आपको आप वर्किंग हैं तो शायद आपको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि IVF में बहुत फुल रेस्ट के लिए ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है। खैर, ये तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे जिनके पास भी आप जाओगे, लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें थी वहाँ ये मैंने यहाँ पे बता दी, और लास्ट में इसका एक मॉरल ऑफ स्टोरी बताती हूँ कि हाँ, पॉसिबल है 35 के बाद आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है? तो मेरी डिक्शनरी में किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलती हूँ मैं, सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम ट्राई करें, सही तरीके से ट्राई करें तो पॉसिबल होता है। तो इसके लिए अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव सोचना, बनाना, सोचना दोनों ज़रूरी है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बारे में हमेशा आपको बुली करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूर रखें, जितना हो सके दूर रहें हर तरीके से, क्योंकि वो आपको मेंटली इतना प्रेशराइज कर देंगे ना कि आप फिर अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक किसका देखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, अगर आप मेरे प्रोफाइल में जाते हो आपको ऑलमोस्ट बहुत तरह की वीडियो मिलेंगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे सारी वीडियो मिलेंगी। और देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे ये मत पूछो कि आपने क्या मेडिसिन ली थी, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं किसी को प्रिस्क्राइब कर सकती, वो आपके डॉक्टर का काम है। मेरा काम सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको जो भी चीज़ें मैंने फेस की है वो आपको बताना, उसका सोल्यूशन मैंने जो मुझे बताया गया था वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों की लाइफ में भी थोड़ी सी खुशियाँ आए, और जिस तरीके से मेरे चेहरे पर थोड़ी स्माइल है वैसे आपके चेहरे पर भी थोड़ी स्माइल रहे। उम्मीद करूँगी मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।